अगर आप लोगों ने ब्री लार्सन की रूम मूवी देखी है और आप लोगों को वो मूवी पसंद आई थी तो आई एम डैम श्योर कि आपको ये वाला शो भी पसंद आएगा। सो हे गाइस, दिस इज अभिलाष और मैं बात कर रहा हूँ डियर चाइल्ड शो की। ये शो आपको मिलेगा नेटफ्लिक्स पर और डियर चाइल्ड के रिव्यू के बाद मैं करूंगा बर्निंग बॉडी का रिव्यू। टाइम स्टैम्प्स मैंने ऐड कर दिए हैं, सो जस्ट वन क्लिक एंड वॉच इट। डियर चाइल्ड, ये शो एक लिमिटेड सीरीज है, यानी कि एक ही सीजन में 6 एपिसोड्स के साथ इसको पूरे तरीके से रैप अप कर दिया गया, जिसमें कि हर एपिसोड की लेंथ 40-45 मिनट्स ईच है और इस शो का जॉनरा है साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर। तो चलो पता करते हैं कि क्या ये शो आपके टाइम के लिए लायक है या नहीं। तो कहानी स्टार्ट होती है एक मिस्टीरियस लेडी और उसकी छोटी सी बच्ची से, जो कि जंगल में अंधेरे में किसी से बचकर भाग रहे हैं और इस मिस्टीरियस लेडी का हो जाता है बहुत बुरा एक्सीडेंट। अब इन दोनों को लेकर आया जाता है हॉस्पिटल में। अब वहां से सीरीज ऑफ इवेंट्स कुछ इस तरीके से होते हैं कि 13 साल पुराना एक केस रीओपन होता है जहां पर 13 साल पहले एक बच्ची लापता हो गई थी और उसके बाद वो कभी नहीं मिली। स्टोरी के हिसाब से देखो, मैं उतना ही मुंह खोलूंगा जितना कि ट्रेलर में दिखाया गया है, उसके अलावा नो स्पॉयलर्स अहेड, सो डोंट वरी। अब मैंने इस शो का कंपैरिजन इस वीडियो के स्टार्ट में किया था रूम मूवी से, बट लेट मी टेल यू, रूम मूवी अगर पहला गियर है किसी गाड़ी का तो ये शो पांचवा या छठा गियर नहीं, डायरेक्ट 10th गियर है। हाँ आई नो 10th गियर नहीं होता, बट स्टिल इस शो के पहले ही सीन से आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा कि बहुत सारी चीजें हो रही है और क्या हो रही है और किस मेंटल लेवल पे हो रही है, और हर एक सीन का इम्पैक्ट जो है वो आपको आने वाले एपिसोड में पता चलेगा, और ये सेम चीज बहुत गूज बम्पी है। इसके अलावा ये शो थोड़ा बहुत फोकस करता है कि असली किडनैपर कौन है और एपिसोड बाय एपिसोड हमें अलग अलग सस्पेक्ट से मिलवाया भी जाता है, जहां पर कि मेरे खुद के बहुत सारे गेसेस गलत थे। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस शो का मकसद ये किडनैपर था ही नहीं। ये शो पूरे तरीके से फोकस करता है 3 लोगों पर, मिस्टीरियस लेडी और उसके 2 बच्चे, कि कैसे ये 2 लोग वहां से जान बचाकर भागे और जो छोटा बच्चा है वो अभी भी उसी कैबिन में, कैसे इन बच्चों की अपब्रिंगिंग उस एक क्यूबिकल में हुई है वो भी 13 साल तक, वो भी एक एयर टाइट रूम में जहां की इनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है, ना ही इन लोगों ने 13 साल तक सूरज की रोशनी देखी है, और उसके बाद अब जब ये लोग आजाद हो जाते हैं तो ये इस दुनिया को कैसे एक्सेप्ट करेंगे, इसके अलावा ये दुनिया इन लोगों को कैसे एक्सेप्ट करेगी। ये पूरा प्लॉट बहुत हॉरिफाइंग है एंड एट द सेम टाइम ये प्लॉट ऑसम है। इसके अलावा पूरी स्टोरी में अगर आप माइक्रोस्कोप लेकर बैठे हो तो आपको देखो एक छोटी सी गलती समझ में आएगी। पुलिस वालों को 2-3 बार बहुत इजीली और हवा में से ही क्लू मिल जाते हैं कि अगला सस्पेक्ट कौन होने वाला है, बट वो चीजें भी चलो ठीक है क्योंकि वो सारे जितने भी क्लूज और सबूत थे वो मिसडायरेक्शन का काम करता है, सो इट्स फाइन। इसके अलावा इस शो की पेसिंग मीडियम से लेकर स्लो तक में, बट आगे से आगे इन लोगों ने जो इवेंट्स तैयार किए हैं वो आपको चेयर नहीं छोड़ने देंगे। इन सब के बाद आई लव्ड सिनेमेटोग्राफी, आई टोटली लव्ड इट। इस चीज का ना मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा अभी। इन लोगों ने कुछ शॉट्स जो है वो ऐसे सीलिंग लेवल पर लिए हैं जिनका ओवरयूज नहीं किया गया। ये पूरे शो में सिर्फ 2 या 3 ही शॉट्स है और ये शॉट्स ये दर्शाते हैं कि इस सीन का आने वाली स्टोरी पर कितना बड़े तरीके से इंपैक्ट होने वाला है। कलर ग्रेडियंट मोस्टली ब्लूइश है जो कि दर्शाता है इस पूरी स्टोरी की कोल्डनेस को, बट बीच बीच में आपको 1-2 जगह पर येलो स्टोन्स भी देखने को मिलेंगी जो कि दिखाता है होपफुलनेस फॉर दीज 3 पीपल। बैकग्राउंड साउंड में आपको उतना ज्यादा साउंड नहीं सुनने को मिलेगा। इसमें कई सारे सीन्स हैं जो कि एब्सोल्यूट पिन ड्रॉप साइलेंस वाले हैं। वहां पर वो सीन्स हम ऑडियंसेस के लिए छोड़े गए ताकि हम लोग वो सीन को अच्छे से इंटरप्रेट कर पाए कि ये कैरेक्टर एग्जैक्टली क्या कहना चाहता है जो कि वो बोल नहीं पा रहा है। एक्टिंग वाले डिपार्टमेंट में सभी ने टॉप क्लास काम किया है और मैं यहाँ पर शाउट आउट देना चाहूंगा नायला शूबर्थ को, दिस गर्ल डिजर्व्स एन अवार्ड। मुझे नहीं पता कि जर्मनी में एमी वगैरह होते हैं कि नहीं, बट प्लीज कोई इसको एमी लाकर दो भाई। फाइनली इस शो में सेक्स नहीं है, न्यूडिटी नहीं है, बट लैंग्वेज कंटेंट के लिए वार्निंग है और वायलेंस भी है, और ये 6 एपिसोड्स इस शो की लेंथ के लिए एकदम परफेक्ट है और मेरी साइड से इस शो को 4.5/5। फाइनल वर्डिक्ट, कंटेंट ढूंढ रहे हो, कंटेंट चाहिए शानदार वाला, ये देखना शुरू करो। ये हुआ डियर चाइल्ड का रिव्यू और अब बात करते हैं बर्निंग बॉडी शो के बारे में। अगर आप लोगों को ट्रू क्राइम बेस्ड शोज पसंद है जहां शो शुरू होने से पहले लिखा हुआ जाता है बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स और फिर आपको सिर्फ उतना सा पढ़ने के बाद गूज़बम्स आ जाते हैं, तो ये शो आपके लिए है। वैसे ये शो आपको मिल जाएगा नेटफ्लिक्स पर, जिसमें है 8 एपिसोड्स जो कि वेरी करते हैं 45-50 मिनट्स ईच, और इस शो का जॉनरा है क्राइम थ्रिलर। तो शो की स्टोरी एक्चुअली बेस्ड है एक ट्रू स्टोरी पर, जहां पर एक स्पेन की पुलिसमैन को मारकर उनकी बॉडी को उन्हीं की कार के साथ जला दिया जाता है जिनका नाम था पेड्रो रॉड्रिगेस। तो इस पूरे शो में यही सब दिखाया गया है कि इनको किसने मारा, कैसे मारा और क्यों मारा, और फिर लास्ट के 2 एपिसोड्स कोर्ट केस। इसके अलावा स्टोरी के हिसाब से मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इन लोगों ने ये शो बनाने से पहले कितनी क्रिएटिव लिबर्टी का यूज किया है, बट स्टोरी ओवरऑल ठीक ठाक सी है। मेन प्रॉब्लम वाली चीज है जो अब मैं आपको बताऊंगा। पहला,
फ्लैशबैक्स। इस शो की स्टोरी बार बार जंप करती है फ्लैशबैक्स में और उनमें से 50% ऑफ द टाइम आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप फ्लैशबैक में हो। नॉर्मली प्रेजेंट के टाइम में और पास्ट वाले जो टाइम है जिसको फ्लैशबैक कहते हैं उसमें कलर टोन्स का डिफरेंस होता है, या फिर कोई कैरेक्टर होता है जिसके फ्लैशबैक में हम चल रहे होते हैं उसके कुछ बाल या फिर उसका गेटअप, मेकअप, ड्रेस वगैरह उनमें डिफरेंस दिखाया जाता है, जिससे कि हमको समझ में आता है कि अच्छा ये वाला जो सीन है ये फ्लैशबैक है। इस शो में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग कंफ्यूज्ड ही रह जाओगे और स्टोरी एज इट इज आगे निकल जाएगी। दूसरा पॉइंट, फ्लैशबैक्स। ये पूरा शो खत्म करने के बाद आपको एक चीज समझ में आएगी कि ये जितने भी फ्लैशबैक्स थे उसमें से 70% कोई काम के नहीं थे। ये सारी चीजें शो की लेंथ को बढ़ा रहे थे और ये फ्लैशबैक्स इतने कंफ्यूजिंग है ना कि एक लड़की है वो अपने हस्बैंड से प्यार करती है, अगले एपिसोड के फ्लैशबैक में वो अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती है, अगले एपिसोड के फ्लैशबैक में वो फिर से अपने हस्बैंड से प्यार करती है, बट अब ये जो हस्बैंड है ये इसका एक्स हस्बैंड हो चुका है और ये जो बॉयफ्रेंड है ये इसका हस्बैंड हो चुका है, फिर उसके अगले एपिसोड में इसको अपने एक्स हस्बैंड से प्यार हो जाता है। तो ये सब चल रहा है, मतलब ये क्या क्या हो क्या रहा है? ये शो पक्का ट्रू इवेंट्स बेस्ड है। यहाँ पर मैं अपनी रैंटिंग खत्म करता हूँ और अपन चलते हैं आगे वाले नेक्स्ट पॉइंट पे, एक्टिंग। पूरे शो में मैक्सिमम टाइम आपको स्क्रीन पर दिखेंगी अर्सला कॉर्बोरो। इन्होंने प्ले किया था टोक्यो नाम का कैरेक्टर इन मनी हाइस्ट और इनकी एक्टिंग बहुत दमदार है। इनका कैरेक्टर हर 5 मिनट में अपना पर्सोना चेंज कर रहा है डिपेंडिंग अपॉन कि इनके साथ अभी स्क्रीन पर कौन है, और इनका कैरेक्टर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है उसके साथ साथ बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव भी। तो इनकी एक्टिंग मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय की और इनके अलावा जितने भी बाकी कैरेक्टर्स थे उन्होंने भी अपना रोल बहुत अच्छे तरीके से निभाया। बट देखो ओवरऑल पॉइंट वही है, जब स्टोरी ऐसी हो तो बेचारा एक्टर कितना संभालेगा। इन सब चीजों के अलावा सिनेमेटोग्राफी वॉज फाइन, बट एडिटिंग वाले डिपार्टमेंट की मैं तारीफ बिल्कुल नहीं करूंगा जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्लैशबैक्स, क्योंकि उन सीन्स में सिर्फ कलर टोन ही चेंज करनी थी जो कि सिर्फ 3 से 5 क्लिक्स में होता है और इन लोगों से वो तक नहीं हुआ। इसके अलावा बैकग्राउंड साउंड वॉज ओके। डायरेक्टर है इस शो के जॉर्गन तोरेग्रोसा, जिन्होंने एलीट नाम का वेब सीरीज बनाया था। ये शो जब भी आप देख के खत्म करोगे तो आपको एक सिंपल सी चीज बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी कि ये जो वाइफ एक्स हस्बैंड हस्बैंड बॉयफ्रेंड वाला जो ये चक्कर चल रहा है ये वहीं से उठ के आया है, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि ये एक रियल स्टोरी हो सकती है। या रियल स्टोरी होगी तो इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होगी जितनी की जबरदस्ती कॉम्प्लेक्स इन लोगों ने कर दी है। बाकी इस शो की लेंथ कम कर करके ये 5 तक कर सकते थे और इस शो के लिए आपको न्यूडिटी, सेक्सुअल कंटेंट की वार्निंग, साथ में गालियां और वायलेंस भी। और मेरी साइड से इस शो को 2 out of 5 जस्ट फॉर द एक्टिंग वाला पार्ट और लास्ट के जो 2 एपिसोड्स थे उनके लिए। फाइनल वर्डिक्ट, देखो भाई मैं तो बिल्कुल रेकमेंड नहीं कर रहा ये शो किसी को भी, बट अगर आप लोगों में से किसी ने अगर ये ठान ही लिए कि भाई देखना ही देखना है चाहे कोई कुछ भी बोल दे तो मैं नहीं रोकूंगा। तो इसी मैसेज के साथ मैं ये वीडियो आज यहीं खत्म करता हूँ। ये दोनों रिव्यूज अगर आपको हेल्पफुल और लॉजिकल लगे तो डोंट फॉरगेट लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो प्लीज। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक बी ऑसम, बाय बाय।